एक बार फिर से अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले पर, क्योंकि जेडीए का एक्शन आज भी जारी है। पेपर लीक के मामले में आरोपी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई सुबह से ही शुरू हो गई थी। आरोपी भूपेंद्र सारण और उसके भाई गोपाल सारण का अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश ये थे कि जो अवैध निर्माण हो उसे ध्वस्त किया जाए, और उसके अलावा जो अवैध निर्माण की श्रेणी में नहीं आ रहा है, जो तमाम प्रोटोकॉल्स के तहत ठीक पाया जा रहा है, उसे रेड लाइट के उस पार पहुंचाया जाए। अभिषेक लगातार तस्वीरें हमारे साथ साझा भी कर रहे हैं और जानकारी भी। अभिषेक, आपने बात भी की थी और जब कल जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला आया था तो उन लोगों के चेहरे भी कुछ ना कुछ आश्वस्त हो गए थे, जो चाह रहे थे कि इस तरह के लोगों पर ये कार्रवाई हो और इस तरह के बंदोबस्त आगे के लिए एक नज़ीर बनकर सामने आए। क्या ताज़ा जानकारी? और अभी देखिए, जो हम यहाँ पर जो है आगे जो ये जो मकान है उसके आगे की तरफ खड़े हुए हैं, आगे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटी पॉकलेन मशीन लगा दी गई है और जो निर्माण को आगे से ध्वस्त किया जा रहा है। काफ़ी निर्माण को जो ग्राउंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर पे ध्वस्त किया जा चुका है, और ये जो कैमरा पर्सन जो यश माथुर है वो आपको दिखाएंगे कि जो लाल निशान है, इस लाल निशान ऊपर पूरे हर मंजिल पर ये लाल निशान लगाए गए हैं। इस लाल निशान ये जो लंबाई में 15 फीट तक है, इस 15 फीट तक जो निर्माण है इसको हटाया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पॉकलेन मशीन है इसको पॉकलेन मशीन किस तरह से तोड़फोड़ कर रही है, और जो छत है उसको भी कई जगह से इस पॉकलेन मशीन से पंचर कर दिया गया है। ये पॉकलेन मशीन यहाँ तक ही जाएगी, उसके ऊपर जो उसके अलावा जो छत की अगर हम बात करें सबसे टॉप फ्लोर की, तो वहाँ पर भी जो लोखंडा मशीन है उससे उस छत को ध्वस्त कर दिया गया है, उसको कई जगह से पंचर कर दिया गया है। और ये इसके अलावा जो बीच की जो मंजिल बस्ती है उस पर लोखंडा मशीन से छत को पंचर किया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई चल रही है। अब तक इससे पहले हमने जो पीछे का जो सेट पीछे का जो मकान के जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर जो जेडी की कार्रवाई हुई थी वो आप वो दिखाई थी, उसमें जो पीछे की तरफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें बड़ी पॉकलेन मशीन लगा रखी है, और उस पॉकलेन मशीन से हर मंजिल पर निर्माण तोड़े जा रहे हैं, और बिल्कुल जेडीए की कार्रवाई बिल्कुल वृहद स्तर पर चल रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है इस मकान पे कार्रवाई पूरी की जाए, जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए। आगे से 15 फीट की जो चौड़ाई है, 15 फीट की जो गहराई है इस मकान की, उस गहराई तक निर्माणों को हटाया जा रहा है। लेकिन जो साइड के जो कॉलम है, अगर किनारों के कॉलम की बात करें उनको टच नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अंदेशा यही है कि अगर इन कॉलम को तोड़ा गया तो इस वजह से जो बगल का जो मकान है उसको चोट पहुंच सकती है, तो उसका ध्यान रखा जा रहा है, उसके हिसाब से यहाँ कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बालकनी भी है, ये बालकनी भी सड़क पर निकाली गई है, 2.5 फीट की लंबाई में ये बालकनी निकाली गई, 2.5 फीट की चौड़ाई में ये बालकनी निकाली गई है। इसकी लंबाई देखें तो करीब ये 28 फीट है, ये 28x45 फीट का ये पूरा प्लॉट है, और इस ये जो 45 फीट की जो गहराई है, इसकी 45 फीट की गहराई में से आगे से 15 फीट और पीछे 8.25 फीट, मतलब 23 फीट से ज़्यादा इस प्लॉट पे अवैध निर्माण है। 23 फीट से ज़्यादा गहराई में टोटलिटी की बात करें, उस निर्माण को हटाया जा रहा है। तो अपने आप में ये बड़ी कार्रवाई जेडी की तरफ से चल रही है, सुबह से ये कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं जो एसी का बॉक्स भी लगा हुआ है उसको नहीं हटाया है। हालांकि जेडी ने जब सुबह यहाँ पर जो सामान था आगे के पोर्शन में या पीछे के पोर्शन में जो निर्माण हटाया जाना है उस हिस्से में जो सामान था उसको हटवाया था, जो महिलाएं थी वो भी रात को यहाँ पहुँच गई थी, वो भी उन्होंने भी सामान हटाया। आज जो महिलाएं सामान लेके गई, जो खाली किया, उसकी जेडी ने बाकायदा लिस्टिंग करी है, वीडियोग्राफी कराई है, ताकि बाद में किसी तरीके का कोई आरोप, किसी कीमती सामान के खुर्द-बुर्द करने का कोई आरोप जेडीए पर नहीं लगाया जा सके। आप देख सकते हैं कि कार्रवाई किस तरह से, जो छोटी पॉकलेन मशीन है उससे ये कार्रवाई की जा रही है, और जो छत है उसको पूरा तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये जो जो आप ये जो देख रहे हैं, जो सेकंड कॉलम है इस मकान की गहराई में, जो सेकंड कॉलम है उसके पास में जो लाल निशान है वहां तक जो है निर्माण हटाया जाएगा, वहां तक छत को तोड़ा जाएगा। जो मकान का निर्माण है बहुत मजबूत है, और उसको तोड़ने में जो पॉकलेन मशीन है उसको भी काफ़ी जोर लग रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का निर्माण है, काफ़ी पैसा खर्च करके ये बनाया गया आलीशान मकान है। आप देख सकते हैं किस तरह का पेंट है यहाँ पर, और POP है, किस तरह की दीवारें हैं, किस तरह की साज सज्जा इस मकान में की गई है, किस तरह से वुडन वर्क यहाँ पर किया गया था। तो इस आलीशान मकान पर JDA का बुलडोजर दो तरफा चल रहा है, और ऊपर टॉप फ्लोर पर भी लोखंडा मशीन से
छत को पंचर किया जा रहा है, तो हर तरफ से हर मोर्चे पर जेडीए इस मकान को तोड़फोड़ में लगा हुआ है। जेडी की कवायद यही है कि जल्द से जल्द जो है इसको कार्रवाई को पूरा किया जाए, और जल्दी जो टारगेट यही है कि मैक्सिमम 2 बजे तक इस कार्रवाई को पूरा किया जाए। ये जो पूरा मकान है ये 141 वर्ग गज में बना है, और अजमेर रोड पे जो रजनी विहार कॉलोनी है जो कि जेडी की अप्रूव कॉलोनी है वहाँ पर ये निर्माण चल रहा है, क्योंकि ये अवैध निर्माण इस लिहाज से भी है कि जो साइट प्लान जेडीए की ओर से जारी किया हुआ है इसके प्लॉट के पट्टे के साथ, उसमें साफ मेंशन है कि आगे की 15 फीट और पीछे का 8 फीट 3 इंच निर्माण छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन यानी 0 सेटबैक पे यह निर्माण किया गया है वही जेडीए तोड़ रहा है। और पीछे की तरफ अगर हम देखें, पीछे की तरफ दिखाया था कि किस तरह से जो सेटबैक है वो इस तरह से कवर किया गया, उसके आगे बालकनी इस तरह से निकाली गई है कि जो पड़ोसी का मकान है उसको भी ठक दिया गया है, उसका हवा पानी बंद कर दिया गया है। आप रसूख का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि इस आदमी ने इस तरह से मकान बनाया, इस तरह से सरकारी जो सड़क है उस पर आगे तक बालकनी निकाली कि जो पड़ोसी का मकान है उसका भी हवा पानी बंद कर दिया, और पड़ोसी ने हो सकता है शिकायत की, उस शिकायत पर जो ये मकान मालिक है भूपेंद्र कारण उसके रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई हो, ये एक जीता जागता सबूत है कि किस तरह से प्रभावशाली लोग अपने रसूख के दम पर सिस्टम में अपनी रसूख के दम पर अवैध निर्माण करते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है चॉकलेट मशीन है उसको काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही जो अच्छी क्वालिटी का जो निर्माण है किया गया है, काफ़ी पैसा खर्च करके इसको बनाया गया है, इसलिए पॉकलैंड मशीन को भी मेहनत करनी पड़ रही है इसको तोड़ने की, जो कि पॉकलैंड मशीन जो है जेसीबी से भी अच्छी मानी जाती है तोड़ फोड़ के लिए, उस पॉकलैंड मशीन से इसको तोड़ा जा रहा है। ये 12 जनवरी को जेडीए के नोटिस की अवधि शाम 5 बजे खत्म हो गई थी, उसके बाद जो है ये मामला उससे पहले जेडीए ट्रिब्यूनल में चला, जेडीए ट्रिब्यूनल ने 13 जनवरी तक कार्रवाई की पे रोक लगा दी थी, लेकिन जब 13 जनवरी को कल जेडीए ट्रिब्यूनल का फाइनल ऑर्डर आ गया और उसमें कहा गया कि परमिसेबल निर्माण को नहीं हटाया जाए, तो यहाँ जो परमिसेबल जो निर्माण है जो कि जेडीए बांधता है इस प्लॉट के 8 मीटर तक का जो निर्माण है भूतल और जो अगर प्रथम तल की बात करें उसके अलावा बाकी का जो निर्माण है बाकी की जो ऊपर की मंजिल है उसको जेडीए अवैध मानता है, क्योंकि जेडीए का ये कहना है कि जेडीए की बिना स्वीकृति से इनका निर्माण किया गया है, तो ऊपर की जो दोनों मंजिल है उसको भी तोड़ा जाएगा, और इसके अलावा जो हम बात करें बालकनी जो आगे निकाली गई है उसको तोड़ दिया जा चुका है, और जो सेटबैक है उस पर कार्रवाई लगातार चल रही है, और दोपहर 2 बजे तक ये संभावना है कि कार्रवाई चले। सूर्योदय के साथ ही जेडीए अपने एक्शन में आ गया था, जेडीए ने कल भी जब जेडीए ट्रिब्यूनल का आदेश आ गया था उसके बाद 4 बजे बाद कार्रवाई शुरू कर दी थी और शाम को सूर्यास्त तक ये कार्रवाई करी, उसके बाद बाकी की कार्रवाई के लिए जो है जेडीए दस्ता सुबह से यहाँ मुस्तैद है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, और दोनों तरफ पीछे की तरफ से भी एक बड़ी पॉकलैंड मशीन लगाई गई है जो पूरा निर्माण तोड़ रही है। पॉकलैंड मशीन मैक्सिमम ऊपर पहुंच सके इसके लिए नीचे मिट्टी और जो मलबा है उसका रैंप भी बनाया गया है ताकि उस पर चढ़ के पॉकलैंड मशीन अपना काम कर सके। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जेडीए की एक बड़ी कार्रवाई एक जो शिक्षा माफिया है उसके खिलाफ चल रही है, और ये जेडीए लगातार कह रहा है कि ये अपने आप एक विशेष मामला है। विशेष मामला इस लिहाज से है क्योंकि जो शिक्षक भर्ती जो परीक्षा पेपर था उसका जो लीक में जो आरोपी है उससे जुड़ा मामला है, ये वो मामला है जिसमें जो कई लाखों बेरोजगार युवा युवतियां हैं जो कि तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनके सपनों से खिलवाड़ है, उनके भावनाओं से खिलवाड़ है, तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो इस मामले में पुलिस की नज़र में आरोपी है संलिप्त हैं, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनको किसी भी तरह से जो है चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जेडीए का जो अधिकार क्षेत्र है वो अवैध निर्माण या अतिक्रमण में आता है, उस लिहाज से जेडीए अपनी कार्रवाई कर रहा है। जेडीए ने इससे पहले ये जो मामले के जो मुख्य आरोपी थे भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, इन ये जो कोचिंग सेंटर अधिगम कोचिंग सेंटर गोपालपुरा बाईपास पर चलाते थे, हालांकि भले ही वो किराए की इमारत में चलता था 5 मंजिला कॉमर्शियल इमारत थी, किराए की ले रखी थी, उसके बावजूद जेडीए ने उसको तोड़ा, और उसके पीछे तर्क यही दिया गया कि भले ही जो है ये भवन मालिक जो है उसका निर्माण तोड़ा है लेकिन उसका इन माफिया से भले ही डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो इमारत का जो मालिक है उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ये ध्यान रखे कि उसके जो किराएदार हैं वो यहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं। इस लिहाज से
जो इमारत का जो मालिक है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसी के चलते जेडीए ने उस इमारत पर भी कार्रवाई करी। और इसी लिहाज से यहाँ की अगर हम बात करें तो जेडीए जो आवासीय है इमारत, जो रिहायशी इलाके हैं, आवासीय इमारत है, कोई आदमी अपनी अगर रहने के लिए मकान बनाता है उसमें जो है जेडीए कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन ये मामला जेडीए मानता है अलग तरीके का मामला है, एक माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई है, इसलिए कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल अभिषेक, और जो ये मशीनों की दड़दड़ाहट है ये उन लोगों के कानों को तो आज बहुत चुभ रही होगी जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं, भले ही पेपर लीक के मामले हो, भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला हो या इस तरह के अवैध अतिक्रमण का मामला हो। बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। आरोपी भूपेंद्र सारण और भाई गोपाल सारण का अवैध निर्माण ध्वस्त हो रहा है, मकान के पीछे के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया जा रहा है। मकान का निर्माण बताया जा रहा बेहद मजबूत, जेडीए की पोगलैंड मशीन से भी लोहे के जाल को नहीं हटाया जा सका। अब लोकंडा मशीन से काटा जा रहा मकान का लोहा, अजमेर रोड स्थित रजनी विहार के मकान का ये मामला है। कार्रवाई की सूचना पर मौके पर सारण परिवार के लोग भी पहुंचे हैं। जेडीए दस्ता ने मकान में सामान को खाली करने के लिए जो वक्त दिया उसमें वो खाली नहीं हुआ और अब मकान एक तरफ टूट रहा है और दूसरी तरफ उसको खाली किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 20% के आसपास मकान को कल तोड़ दिया गया था, लेकिन आज मकान को इस तरीके से तोड़ा जाएगा कि अवैध नेस्त नाबूद हो, जमीन पर मिल जाए और जो वैध है उसका हाल क्या बचेगा, ये भी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा पहले ये देखिए कि जो अवैध है उसको किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। हालांकि इस दौरान पोकलैन मशीन से भी ड्रिल करना मुश्किल रहा क्योंकि जो जाल बिछाया गया उसमें सरिये इतने मजबूत, हालांकि उसके बाद लोकंडा मशीन को बुलाया गया और उसके बाद ध्वस्त किया गया। वहीं दूसरी तरफ सारण परिवार के लोग जो वहां से सामान को निकालते हुए वहां से हटाते हुए, पेपर लीक मामले में राजस्थान में पहली कार्रवाई है जिसमें मकान को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है। हालांकि एक तबका यह भी है जो ये कह रहा है कि ये कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ है, लेकिन ये अवैध निर्माण भी चिन्हित तब हुआ जब पता चला कि ये सारण भूपेंद्र सारण और उसके भाई गोपाल सारण का मकान है। उसके बाद इसकी जेडीए ने पैमाइश की और तब ये पता चला कि ये मकान आगे से 18 फीट के आसपास और पीछे से 8.3 फीट के आसपास अवैध निर्माण है। सेटबैक एरिया को पूरे तरीके से इन्होंने अतिक्रमण से ढक दिया था और वही वजह है कि पहले सारण परिवार पहुंचे हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, बोला गया कि जाइए आप पहले जेडीए ट्रिब्यूनल जाइए। जेडीए ट्रिब्यूनल में सारण परिवार पहुंचा, याचिका को खारिज कर दिया गया, फिर याचिका लगाई गई कि उन्हें 15 दिन का वक्त दिया जाए, याचिका खारिज हो गई और जैसे ही ये फैसला जेडीए के पास पहुंचा, कल आपको ध्यान होगा फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे बाहर 2 जेसीबी मशीनें खड़ी हैं और जैसे ही फैसला हुआ मशीनों ने अपना काम शुरू कर दिया। कल हमने बाकायदा इस घर के अंदर की सारी तस्वीरें आपको दिखाई थी, आपको ऊपर छत तक लेकर गए क्योंकि जो जेडीए के अप्रूवल नक्शे में इस मकान को दर्शाया गया वो 2 मंजिला है, लेकिन इस पर भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण 2 मंजिल एक्स्ट्रा ऊपर चढ़ा दी थी, उनको भी तोड़ा जाएगा, लेकिन पहले आगे का हिस्सा तोड़ा जाएगा, 25x2.5 फीट की बालकनी उसको तोड़ा जाएगा, पीछे की तरफ से 20x5.5 फीट की बालकनी को तोड़ा जाएगा और पीछे से 8.3 फीट का सेटबैक एरिया है उसमें जो अतिक्रमण है उसको भी ध्वस्त किया जाएगा। आज मकर संक्रांति है और आज सूर्यदेव मकर में प्रवेश करेंगे और उसके साथ ही शुभ संकेत मिलते हैं और मौसम भी बदलता है। मेरे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज मकर संक्रांति है और जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है कि मौसम बदलता है, या मुझे लगता है कि आज के साथ सारण, भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की किस्मत ही बदलने वाली है। चलिए जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए,
भूपेंद्र सारण और भाई गोपाल सारण जिन्होंने पेपर को लीक किया, लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, ना जाने कितने परिवारों के सपनों को तोड़ा, कितने बेरोजगारों की उम्मीदों को तोड़ा। और ये रही सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए, वाकई में मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये तीसरी मंजिल का हिस्सा है, इसके ऊपर एक और मंजिल है जहां तक कल फर्स्ट इंडिया आपको लेकर गया था। ये तीसरी मंजिल जहां बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और लोखंडा मशीन के जरिए इस फ्लोर को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और तैयारी जिस तरीके से चल रही है, मानकर चलिए कुछ ही वक्त में इसको तोड़ भी दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान जो जेडीए के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है वो ये कि आसपास जो रिहायशी मकान बने हुए हैं उनमें कोई दिक्कत ना आए, उनमें कोई दरार ना आए। और यही वजह है कि काम को धीरे धीरे भी किया जा रहा है ताकि पूरी एहतियात बरतते हुए इस मकान से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए। और इसलिए उन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका इंपैक्ट सिर्फ इस मकान पर हो, आसपास के मकानों पर उसका असर ना जाए। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। भूपेंद्र सारण कहाँ है? जयपुर में है, राजस्थान में है, देश में है, देश से बाहर नेपाल में है, नेपाल से भी कहीं और भाग चुका है। ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन जो जवाब मिल रहा है वो ये कि अवैध निर्माण जो किया गया था उसको ध्वस्त किया जा रहा है। मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, मैं सवाल कर रहा था कि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मौसम बदलता है, यहां ऐसा लग रहा है कि सारण परिवार की पूरी स्थिति ही बदल रही है। और छत पर जो है ये कार्रवाई चल रही है, छत पे जो निर्माण है उसको हटाया जा रहा है। लोगंडा ये कार्रवाई चल रही है और ये जो आगे के 15 फुट का जो निर्माण है उसको हटाया जा रहा है। ऊपर हटा के जो पदर्थ का निर्माण लाल निशान भी यहाँ पर लगाए गए हैं और लाल निशान लगाते हुए तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, ये कार्रवाई और वो हिस्सा जहां फर्स्ट इंडिया कल पहुंच गया था उस हिस्से को भी अब एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां अब तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। जिस हिस्से पर अभी कार्रवाई हो रही थी वहां पानी की टंकियां रखी हुई थी, उनको मुमकिन है कि हटा दिया गया और उसके बाद वहां तोड़फोड़ की जा रही है। और ये सारण परिवार जो वहां से सामान को हटाता हुआ, ये जरा देखिए, ये वो आलीशान बंगला है जिसमें लिफ्ट तक लगी हुई है, लेकिन अभी ये बंगला लगभग मलबे में तब्दील हो गया है। जिस तरीके से पीला पंजा चल रहा है, जिस तरीके से जेसीबी का हाथ चल रहा है, ये जरा देखिए, ये तस्वीरें उन सभी के लिए एक सबक है जो बच्चों के भविष्य से खेलते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभिषेक, तस्वीरें जरा दिखाइए और ये भी बताइए, क्योंकि तोड़ने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, ये जिस लेंटर को ऊपर तोड़ा जा रहा है कितने इंच का डाला हुआ है? बिल्कुल विजेंद्र, यहाँ पर जो है अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। जो आगे तक आप देख सकते हैं कि जो लोखंडा मशीन है उस लोखंडा मशीन से 15 फीट की खुदाई में निर्माण को हटाया जा रहा है। ये जो छत है उसके ऊपर की ये छत है, घूमती फिर की जो छत है इस पर भी निर्माण हटाया जा रहा है, क्योंकि ये 15 फीट के दायरे में आ रहा है। और पीछे भी जो है जेडी की पॉकलेन मशीन कार्रवाई कर रही है, इसके अलावा आगे छोटी पॉकलेन मशीन लगाकर कार्रवाई की जा रही है। आपको यहाँ से हम छत पे खड़े हैं, इस छत से हम आपको पीछे का भी नज़ारा दिखाएंगे कि पीछे किस तरह से जो है जेडी की कार्रवाई की जा रही है। जेडी का दस्ता यहाँ मौजूद है और यहाँ पर अभी जो है उस पॉकलेन मशीन से ऊपर की मंजिल को छोड़कर जो शेष मंजिल है उनके निर्माण को, उनके दीवारों के निर्माण को हटाया गया है। और ये जो छत का जो निर्माण है, जो आरसी स्ट्रक्चर है, उसको लोखंडा मशीन से हटाया जा रहा है। और आगे का जो भी निर्माण है, भी फ्रंट में छोटी पॉकलेन मशीन में आगे तोड़ा गया, पीछे की तरफ जो है 8 फीट 3 इंच का निर्माण उसको तोड़ा गया, इसके अलावा जो बालकनी उसको भी तोड़ा गया। लेकिन जहाँ हम खड़े हैं ये पूरी तरह से जेडीएस को अवैध मानता है,
जो ऊपर की ये दोनों मंजिलें हैं इनको अवैध मानता है, इसलिए ये पूरी तरह से तोड़ी जाएंगी। इसकी जो भी छतें हैं इसको पूरी तरह से पंचर किया जाएगा और ये जो आगे जो अवैध निर्माण था उसमें बालकनी भी थी, जो बालकनी में ढाई फुट से सड़क पर निकाल रखी थी। इसके अलावा बालकनी पीछे की बालकनी भी ढाई फुट सड़क पर निकाली गई थी जिसको भी हटाया गया है। और इसमें जो साइड के जो कॉलम है उनमें कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि जेडीए की कोशिश है कि जो है पड़ोस के मकान में किस तरह की चोट नहीं है। ये जो सारा मामला है शिक्षक भर्ती परीक्षा जो लीक मामला है उसके जो मुख्य आरोपी है भूपेंद्र सारण उनके मकान से जुड़ा हुआ मामला है। सर ये कार्रवाई जिस तरह से चल रही है तो कब तक इसको पूरी होने का है और क्या ये जिस मंजिल पर हम खड़े हैं ये भी हटाई जाएगी? अपन चौथी मंजिल है ये और इसके नीचे की तीसरी मंजिल निर्धारित जो दे 8 मीटर है उसके ऊपर के हैं दोनों अवैध मंजिलें हैं, इनका भी ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ लगते हुए निवास हैं चरपेटे पे अन्य लोगों के, उनको किसी भी प्रकार की जरा सी भी क्षति नहीं हो ये पूरा ध्यान हम बरत रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं। आमने सामने पॉकलेन मशीन लगा रखी है और ऊपर लोकंडा सिस्टम और हैमर के द्वारा व्यवस्थीकरण की कार्रवाई और मैनुअल ज़्यादा करेंगे की जा रही है। सर ये मतलब अपन ये माने कि दोपहर 2 बजे तक या 3 बजे तक काम हो जाएगा पूरा? लगभग मोटा मोटा अधिकांश अवैध निर्माण अतिक्रमण 2-3 बजे क्योंकि अब जिस तरीके से